नमस्कार, मेरा नाम है रवि गुप्ता और आप देख या सुन रहे हैं मेरा ब्लॉग जिसका नाम है मेरी ज़िंदगी। और आज के ब्लॉग का नाम है ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब आपको कोई अच्छा लगे तो आप ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला जो आपको दिल से पसंद कर रहा है कि वो खुद से जान ले कि वो पागल है तेरी छोटी सी स्माइल के लिए। कि तू जब हंसती है तो दुनिया की सभी मुस्कुराहटों में सबसे अच्छी दिखती है। तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चलकर थम सा गया है एकदम सन, जैसे जैसे कोई फिल्मी सीन हो। ट्रैफिक लाइट में बारिश की भीगती हुई सड़कों पर जहां हर कोई भाग रहा है कि वो भीग ना जाए, वहां तुम्हें ऐसे खुशी से नाचता हुआ देख मैं क्या महसूस करता हूँ, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। तुम्हारी ये बेफिक्री, ज़िंदगी जीने का जुनून, खुश रहने की आदत, मुझे देखकर वो स्माइल करना, मुझे देखकर बुलाना कि मैं भी आऊँ उस बारिश में भीगने को, तुम्हारे साथ नाचने को, तुम्हारे साथ हंसने को, बेफिक्र और बेबाक होने को। ऐसा क्यों होता है कि ये सब होकर भी ओझल सा होता है। धुंधली तस्वीर, धुंधला सा प्यार और धुंधली सी तुम। कब आओगी एक प्यारी सी मुस्कान लिए, सिर्फ ये कहने कि आओ एक दूसरे से प्यार कर लें दिल से। जिस्म की भूख नहीं है मुझे, बस तुझसे लिपटने को दिल करता है। दिल करता है कि तू आए तो बाहों में बेच लो तुझे, अपना बना लो तुझे, कह दो इस सारे जग को कि हाँ मिल गई हो तुम मुझे, शो ऑफ कर लूँ थोड़ा सा, अरे इतरा लो ज़रा, चिल्ला दूँ एक बार खुशी से, बेशक आगे ही नम क्यों ना हो जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ऐसा लगता है कि बस ये सिर्फ एक ख्याल भर ही रह जाएगा। असल ज़िंदगी कुछ और ही चाहेगी, कुछ और ही मांगेगी, कुछ और ही उधेड़बुन होगी इसमें, कुछ और ही चलेगा इसमें। नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी, आम ज़िंदगी जिसमें सब कुछ एक ढर्रे से चल रहे हैं। क्यों चलूँ मैं इसे, क्यों ना लड़ जाऊँ सबसे ये कहने के लिए कि ये मेरी ज़िंदगी है, इसे मैं जीऊँगा, तुम्हें क्या मतलब है। तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी का फैसला लेने वाले। क्या ये ज़रूरी है ये समाज ये ऐसी बातों के साथ रहना, नहीं ना। तो क्यों होता है फिर ऐसा, जब सपना टूटने को हो तो सिर्फ आंसू और गुस्सा ही बाहर आते हैं। क्यों नहीं इंसान हंसता खुद पर, क्यों नहीं तसल्ली देता खुद को, क्यों नहीं ये कहता कि एक बार फिर से जी लेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे, एक बार फिर से प्यार कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है कि हम खुद को ही कोसने लगते हैं, ऐसा क्यों। ज़रूरी तो नहीं ना कि ज़िंदगी वैसे ही चले जैसा तुम चाह रहे हो। ज़रूरी तो नहीं कि तुमने ज़िंदगी से सिर्फ निराश होना ही सीखा है। ज़िंदगी क्या है ये ज़िंदगी, छोटे छोटे पलों का एक बड़ा सा पैकेज। और इन छोटे पलों में क्या चाहिए इंसान को, सिर्फ एक हंसी, एक खुशी, एक प्यार करने वाला प्यारा सा पार्टनर, प्यारा सा इंसान जो आपको प्यार करने के लिए सारी दुनिया से लड़ जाए। नहीं, कोई इमोशनल या फिर कोई फैंटेसी लाइन नहीं है, बस अपनी बात बेबाकी से कह जाए, मुझसे प्यार करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए ज़्यादा कल ना लगाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये थी मेरी लिखी हुई कुछ लाइंस जिसे मैंने लिखा अकेले में शांत रहते हुए। YouTube के लिए जो मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ वो एक मेरी लाइफ का हिस्सा है, वो मेरा जोन है, एक ये भी जोन है। जब मैं अकेला होता हूँ, अकेला मतलब ऐसा नहीं कि मैं उदास हूँ इस टाइप से, जब मैं अकेला होता हूँ, जब मेरा लिखने का मन करता है खुद के लिए, तो मैं अक्सर इस टाइप की चीज़ें लिखता हूँ, फिक्शनल कुछ रियल पता नहीं, ये आप डिसाइड कर लो। और अगर आपको अच्छा लगे तो फॉरवर्ड करना या सेव कर लेना या किसी अपने मन पसंदीदा हाँ यही वर्ड है को दोस्त को भेज देना कि देखो अच्छा है, मतलब जो भी। चलो सी यू, बाय।